स्वागत है आपका मेरी किचन में। आज हम बनाएंगे मटर पुलाव। मटर पुलाव खाने में जितना टेस्टी होता है, बनाने में उतना ही आसान। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें। यहाँ मैंने लिए हैं एक कटोरी चावल, 200 ग्राम, 4 से 5 चम्मच घी, आप चाहे तो तेल भी ले सकते हैं, स्वाद अनुसार नमक, आधा चम्मच जीरा, एक तेज पत्ता, एक दालचीनी, 15 से 20 काजू और यहाँ मैंने फ्रेश मटर लिए हैं 200 ग्राम। चावल को एक बर्तन में डाल देंगे और इसे 2 से 3 बार पानी में अच्छे से धो लेना है। इसमें पानी डालकर 15 मिनट तक हम चावल को भिगोएंगे। कुकर को गरम करेंगे। अब इसमें 4 से 5 चम्मच घी डालेंगे। और घी को गरम होने देंगे। घी गरम हो गया है, अब इसमें आधा चम्मच जीरा डालेंगे और साबुत मसाले भी डाल देंगे। इनके साथ ही हम काजू डाल देंगे। गैस का फ्लेम लो रखना है और 10 से 15 सेकंड इन्हें पकाना है। दस पंद्रह सेकंड से ज़्यादा नहीं पकाना है वरना काजू जलने लगेंगे। अब हम इसमें फ्रेश मटर डाल देंगे और 1 मिनट तक लो फ्लेम पर पकाएंगे। एक मिनट हो गया है, अब हम इसमें चावल डालेंगे। अब 1 मिनट तक चावल को हम ऐसे ही चलाते हुए पकाएंगे। गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे। अब हम इसमें पानी डालेंगे, 1 कटोरी पानी। ये वही कटोरी है जिससे हमने चावल लिया था, और आधी से आधी कटोरी पानी को हमें इसी तरीके से नाप के लेना है। अब गैस के फ्लेम को हम हाई कर देंगे और इसमें 1 चम्मच नमक डालेंगे। नमक आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। जब ये अच्छे से गर्म हो जाए तब इसका ढक्कन लगा देंगे और 2 विसल आने देंगे। गैस का फ्लेम हाई रखना है। दूसरी सीटी होते ही हम गैस को बंद कर देंगे और इसे 10 से 15 मिनट तक ठंडा होने देंगे। दस पंद्रह मिनट बाद में चेक कर लेंगे। सावधानी से कुकर का ढक्कन हटाएंगे। अब इसे 10 मिनट तक ठंडा होने देंगे। दस मिनट बाद हम इसे मिला लेंगे। ये देखिए बनाना हमारा कितना मजेदार पुलाव। अब इसे हम सर्व करेंगे। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें।